दोस्तों कोई भी जरूरत कभी बताकर नहीं आती है। कब हमें किसी जरूरी काम के लिए पैसों की जरूरत पड़ जाए, ऐसे में हमारी सेविंग्स हमारे काफी काम आती है। वैसे तो हम अपनी कमाई में से बचत तो करते ही हैं, लेकिन अगर आप कहीं नौकरी करते हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ के रूप में एक अमाउंट काटा जाता है और जिसे आपके एम्प्लॉयर द्वारा आपके पीएफ अकाउंट में जमा कर दिया जाता है, आपके पीएफ खाते में जमा की गई ये राशि आपकी जरूरत पड़ने पर मदद कर सकती है। पर बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूजन रहता है कि पीएफ का पैसा हम नौकरी छोड़ने के बाद ही निकाल सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने पीएफ का पैसा नौकरी छोड़ने के बाद या फिर नौकरी करते हुए भी निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पीएफ का पैसा नौकरी करते हुए एडवांस के रूप में या फिर नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ और पेंशन का पूरा पैसा कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑनलाइन पीएफ एडवांस के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि ऑनलाइन पीएफ और पेंशन का पूरा पैसा निकालने के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में आप दोनों तरीके जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल बटन को, ताकि ईपीएफ से जुड़ी ऐसी इंपोर्टेंट वीडियो जब भी मैं फ्यूचर में अपलोड करूं तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। सबसे पहले आपको अपने फोन में गूगल ओपन करना है और उसमें सर्च करना है ईपीएफओ। जैसे ही आप सर्च करेंगे, सर्च रिजल्ट में आप देखेंगे सबसे ऊपर आपको एक लिंक दिखाई देगा, ईपीएफओ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। उस पर आपको क्लिक करना है और वेबसाइट को ओपन कर लेना है। वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको लैंडस्केप मोड में दिखा रहा हूं, ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। आप इसको पोर्ट्रेट मोड में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको जाना है सर्विसेज पर और उसमें सेलेक्ट करना है फॉर एम्प्लॉइज को। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर नीचे सर्विसेज में आपको सेकंड ऑप्शन को चूज करना है, मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। आपको एक लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स के साथ लॉगिन कर लेना है, यानी कि अपना यूएन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, उसके बाद कैप्चा कोड एंटर करना है और साइन इन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आपको पहले अपना यूएन नंबर एक्टिवेट करना होगा और अपने पासवर्ड को क्रिएट करना होगा। यूएन को कैसे एक्टिवेट करते हैं और अपने पासवर्ड को कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए मैंने अलग से अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं और अपने यूएन को एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। पीएफ अकाउंट में अपनी नॉमिनेशन डिटेल्स को अपडेट करने के लिए एक नोटिफिकेशन शो होगा। यहां पर आपको अभी लेटर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको चेक करनी है कि आपके पीएफ अकाउंट में आपकी केवाईसी अपडेट है या नहीं। ये चेक करने के लिए आपको जाना है मैनेज पर और क्लिक करना है केवाईसी पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से आपको आपकी केवाईसी का स्टेटस आपको बताया जाएगा। यहाँ पर अगर आपकी तीनों केवाईसी यानी कि आपका पैन, बैंक और आपके आधार की डिटेल्स अगर वेरीफाइड और अपडेटेड है, तो कुछ इस तरह से आपको स्टेटस के नीचे ग्रीन कलर में अप्रूव्ड दिखाई देगा। दोस्तों साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है, जो केवाईसी आप अपने पीएफ अकाउंट में अपडेट करते हैं, उसकी बेसिक डिटेल यानी कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ये सारी डिटेल्स आपके पीएफ अकाउंट की डिटेल्स से मैच होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको पहले से ही ये डिटेल्स अपडेट करा लेनी चाहिए, अदरवाइज आपका क्लेम रिजेक्ट भी किया जा सकता है। उसके बाद पीएफ का पैसा निकालने के लिए, अप्लाई करने के लिए आपको जाना है ऑनलाइन सर्विसेज पर और क्लिक करना है क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C और 10D पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक ब्लैंक बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पर आपको उस बैंक अकाउंट नंबर को फिलअप करना है जो आपने अपने पीएफ अकाउंट में केवाईसी में अपडेट कराया है। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक मैसेज शो होगा, वार्निंग सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग। इसको आपको एक्सेप्ट करना है, यस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको एक बटन दिखाई देगा, प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम। उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ आप नीचे देखेंगे आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पर आपको अपने क्लेम फॉर्म को चुनना है, यानी कि पीएफ एडवांस क्लेम फॉर्म 31 को चुनना है। जैसे ही आप फॉर्म को चुनेंगे, नीचे आप देखेंगे आपको कुछ ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। नीचे सर्विस टाइप में आपको अपने एम्प्लॉयर को चुनना है। उसके बाद अपने पीएफ का पैसा निकालने के पर्पस को चुनना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपको बहुत सारे पर्पस दिखाई देंगे।
दोस्तों जॉब करते हुए आप अलग अलग कंडीशंस में अपने पीएफ बैलेंस का 90% तक पैसा निकाल सकते हैं। किस कंडीशन में कितना पैसा निकाल सकते हैं, अगर आपको ये डिटेल में जानना है तो उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। लिंक पर क्लिक कर आप डिटेल्ड पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और जान सकते हैं कि किस कंडीशन में कितना पीएफ का पैसा आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको पीएफ विड्रोवल की अमाउंट को फिलअप करना है। उसके बाद नीचे अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपने कंप्लीट एड्रेस को फिलअप करना है। एड्रेस फिलअप करने के बाद नीचे अपने कैंसिल चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी को यहाँ पर अपलोड कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आपकी कैंसिल चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी क्लियर होनी चाहिए, जिसमें आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपका नाम क्लियरली विजिबल होना चाहिए। यहाँ पर नीचे आप पढ़ सकते हैं कि फाइल का साइज क्या होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फाइल को अपलोड करना होगा। उसके बाद नीचे इनके डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करना है, यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे आप देखेंगे आपको गेट आधार ओटीपी का एक बटन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके आधार कार्ड के साथ आपका करंटली एक्टिव मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ताकि आप अपने पीएफ विड्रोवल क्लेम को आधार ओटीपी के जरिए वेरीफाई और वैलिडेट कर सकें। अगर आपके आधार कार्ड के साथ आपका करंटली एक्टिव मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो पहले आपको वो अपडेट करा लेना चाहिए, ताकि आप ओटीपी वैलिडेशन की प्रोसेस को पूरा कर सकें और अपने पीएफ विड्रोवल क्लेम फॉर्म को सबमिट कर सकें। उसके बाद जैसे ही आप गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है और नीचे वैलिडेट ओटीपी और सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने का फॉर्म सबमिट हो जाएगा, यानी कि पीएफ विड्रोवल क्लेम फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद कुछ ही दिनों में आपका क्लेम फॉर्म सेटल कर दिया जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में सीधे पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि पीएफ और पेंशन का पूरा पैसा हम कैसे निकाल सकते हैं। पीएफ अकाउंट से पीएफ और पेंशन का पूरा पैसा निकालने के लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप नौकरी छोड़ चुके हैं और उसके बाद कहीं भी नौकरी नहीं कर रहे हैं और नौकरी छोड़े आपको 2 महीने से ज्यादा समय हो चुका है। दोस्तों यहां पर ध्यान दें, पेंशन का पैसा निकालने के लिए ये जरूरी है कि आपका सर्विस पीरियड 6 महीने से ज्यादा और 10 साल से कम होना चाहिए। अगर आपको नौकरी करते हुए 10 साल से ज्यादा समय हो चुका है तो आप पेंशन के पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। ये पेंशन का पैसा अब आपको रिटायरमेंट पर मंथली पे किया जाएगा। तो पीएफ और पेंशन विड्रोवल क्लेम ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट यानी कि नौकरी छोड़ने की तारीख अपडेट करनी होगी, जिसे आप ऑनलाइन घर बैठे ही अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए ऑनलाइन क्लेम करते समय जब आप क्लेम फॉर्म को चुनते हैं अपने पीएफ और पेंशन का पूरा पैसा निकालने के लिए, सबसे पहले आपको अपने पीएफ विड्रोवल फॉर्म 19 को फिलअप करना है। उसके बाद पेंशन विड्रोवल के लिए यहाँ पर फॉर्म 10C को सेलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, सबसे पहले आपको फॉर्म 19 को ही यहाँ पर सबमिट करना होगा, उसके बाद ही फॉर्म 10C को यहाँ पर सबमिट करना है। अदरवाइज ईपीएफओ रूल्स के मुताबिक आपका क्लेम फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले पीएफ विड्रोवल फॉर्म 19 को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे नीचे आपको कुछ ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। उसके बाद नीचे आप देखेंगे अपलोड फॉर्म 15G। दोस्तों फॉर्म 15G एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो उस केस में भरकर सबमिट किया जाता है अगर आपका पीएफ विड्रोवल अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा है और आपका सर्विस पीरियड 5 साल से कम है, तो आपके पीएफ विड्रोवल अमाउंट पर 10% TDS एप्लीकेबल होता है। और अगर आपका पैन KYC अपडेट नहीं है तो ये TDS आपका 35% तक भी काटा जा सकता है। इस TDS को कटने से बचाने के लिए आपको फॉर्म 15G सबमिट करना पड़ता है। फॉर्म 15G को आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और भर सकते हैं, और उसकी स्कैन कॉपी को यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा केवल PDF फॉर्मेट में ही आप यहाँ पर फाइल को अपलोड कर सकते हैं और जिसका मैक्सिमम साइज 1 MB का होना चाहिए। उसके बाद नीचे अपने कंप्लीट एड्रेस को यहाँ पर फिलअप करना है। ये एड्रेस आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फिलअप करना है। एड्रेस फिलअप करने के बाद नीचे आप देखेंगे अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक / पासबुक। यहाँ पर आपको उस बैंक की चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी को अपलोड करना है जो आपने अपनी KYC में अपडेट कराया है और जिसमें आप अपने पीएफ का पैसा ट्रांसफर कराना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है आपके चेक की स्कैन कॉपी का फॉर्मेट JPG या फिर JPEG फाइल में होना चाहिए और वो मिनिमम 100 KB और मैक्सिमम 500 KB की साइज की होनी चाहिए। स्कैन कॉपी में आपका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नेम क्लियरली विजिबल होना चाहिए। स्कैन कॉपी रीडेबल होनी चाहिए। अगर आपके चेक की स्कैन कॉपी रीडेबल नहीं है, क्लियर नहीं है, उसमें आपका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड या फिर नाम विजिबल नहीं है, तो आपका क्लेम EPFO द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर नीचे व्यू बटन पर एक बार क्लिक करके आपको अपने चेक की स्कैन कॉपी को एक बार देख लेना चाहिए कि वो क्लियरली विजिबल है या नहीं। उसके बाद नीचे इनके डिस्क्लेमर को सेलेक्ट करना है।
चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और नीचे गेट आधार ओटीपी बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है और नीचे वैलिडेट ओटीपी और सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक करेंगे आपका पीएफ विड्रॉवल क्लेम सबमिट हो जाएगा। और अगर आप अपने क्लेम एप्लीकेशन की एक्नॉलेजमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करना है। उसी तरीके से यहाँ पर पेंशन विड्रॉवल क्लेम को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अगेन आपको यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना है और अगेन क्लिक करना है क्लेम फॉर्म 3119-10CO-10D पर। अगेन आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिलअप करना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है और इनकी वार्निंग को अगेन यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और यस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे अगेन प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आई वांट टू अप्लाई फॉर में जब आप अपने क्लेम फॉर्म को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर अब की बार आपको ओनली पेंशन विड्रॉवल फॉर्म 10C को सेलेक्ट करना है। अगेन यहाँ पे आपको एड्रेस फिलअप करना है, आपका पूरा एड्रेस क्या है वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे कैंसिल चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी है। कैंसिल चेक और पासबुक की कॉपी अपलोड करने के बाद फिर से आपको नीचे इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे एक्सेप्ट करना है और चेकबुक पर क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद गेट आधार ओटीपी पर फिर से क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार के साथ आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पे आपको एंटर करना है और उसके बाद वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो पेंशन का फॉर्म है यानी कि फॉर्म 10C भी आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा और उसकी एक्नॉलेजमेंट के लिए फिर से आपको यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना है और उसकी PDF एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो PF का बैलेंस है और जो पेंशन का बैलेंस है वो फुल्ली आप ऑनलाइन अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं।